नमस्कार, आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज और मैं सविता। दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना और गुड़गांव के लिए गुड न्यूज। द्वारका एक्सप्रेस वे बसई अंडरपास खुला। द्वारका एक्सप्रेस वे स्थित 102 ए के जीरो हुंडा चौक पर बन रहा अंडरपास पूरा हो गया है। सोमवार को NHAI ने लोगों के लिए खोल दिया है। 24 जून को इसे पूरी तरह ऑपरेशनल किया जाएगा। 585 मीटर लंबा बसई अंडरपास 4 लेन का बना है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे सेक्टर 102 बसई पर बना अंडरपास आज से लोगों के लिए खोल दिया गया। 2 लेन जाने और 2 लेन आने के लिए बनी है। इसके खुलने से पुराने शहर में आज आने जाने वाले धनकोर सेक्टर 102 ए सहित बड़े हिस्सों के लोगों को करीब 4 किलोमीटर चक्कर नहीं काटना होगा। अंडरपास बसई फ्लाईओवर को भी कनेक्ट करेगा। इससे शहर में बड़े हिस्से के लोगों का आवाजाही आसान रहेगी। इसके साथ ही धनकोर गाँव और सेक्टर 102 ए भी शहर सीधे कनेक्ट होंगे। इस एशिया से लोग फरीदाबाद, सोहना, गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर हाईवे पर आसानी से आ जा सकेंगे। NHAI के परियोजना निर्देशक आकाश पहाड़ी ने बताया कि इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। अधिकारी ने बताया कि अंडरपास का निर्माण पूरा किया गया था। कई दिनों से खोलने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा था। सोमवार सुबह से ही इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बसई फ्लाईओवर का उद्घाटन अप्रैल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। यह अंडरपास बसई फ्लाईओवर सेक्टर 102 और 102 से जोड़ता है। 4 लेन के अंडरपास से खुलने से शहर में बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। NHAI के परियोजना निर्देशक आकाश पहाड़ ने बताया कि इसकी लंबाई 548 किलोमीटर। इससे दोनों तरफ ट्रैफिक में प्रभाव को सुगम बनाया जा सकेगा। सेक्टर 102 102 ए 103 106 की माजरा बसई धनकोट और आसपास के अन्य स्थानों तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसका निर्माण पूरा किया गया, तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast at convert in the world. बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।